पश्चिमी दिल्ली के दशरथपुरी में पतंजलि योग समिति रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें पुरुष, महिलाओं और युवाओं ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। पतंजलि योग समिति अनमोल जिंदगी बचाने के उद्देश्य से दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में रक्तदान कैंप लगा रही है और लोगों को जागरूक कर रही है कि रक्तदान कितना जरूरी है। समिति के लोगों की माने तो लोग काफी संख्या में ब्लड डोनेट करने पहुंच रहे हैं। जांच के बाद ही डोनर से ब्लड लिया जाता है। साथ ही बताया कि इनकी संस्था जरूरतमंद लोगों को निशुल्क ब्लड देकर उनकी मदद करती है, तो वहीं रक्तदान को महादान भी बताया। वहीं इस मौके पर मौजूद डॉक्टर ने बताया कि रक्तदान करने से किसी भी तरह की कमजोरी नहीं होती है, बल्कि हर स्वस्थ व्यक्ति को ब्लड डोनेट करना चाहिए। मैं 2004 से लगा रही हूँ, अब तक ये वाला कैंप 63 कैंप है मेरा। मैंने कंजावला में भी लगाया है, हिरनकुंदा गांव है, घेवरा गांव है, द्वारका में, गोकुल गार्डन में, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को कंजावला में, और RBB कैंप है उसमें भी लगाया हुआ। 52 अभी तक हो चुके हैं और हम 70 क्रॉस हो चुके हैं और 200 फार्म हमारे पास भर चुके हैं, और पहले से अपने फार्म भरवा रखे थे डोनर के। नहीं, हमारा होता है कि 100+ तो होना ही चाहिए, क्योंकि 100+ में फ्लॉप नहीं होता। अगर 50 कम होता है तो एक हमारा टारगेट फ्लॉप हो जाता। रक्तदान करना तो सबसे बड़ा दान है, क्योंकि रक्तदान तो सबसे पहले हम इस माहौल में कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर बंदे को कोई ना कोई बीमारियाँ होती है। मुझे खुद माइनर थैलेसीमिया है, मैं हीमाटोलॉजी में जाती थी, मैं पतंजलि की वैसे रक्तदान प्रभारी हूँ, और मैं हीमाटोलॉजी में जाती थी 2002 में, तो वहाँ मैं देखती थी मैं थैलेसीमिया वाले, प्लास्टिक एनीमिया वाले, मैं मतलब वहाँ लोगों को ब्लड की बहुत ज़रूरत होती थी। और हम लोगों की सोच है, सब भाइयों की, सब की, हमारे ग्रुप की, कि जो भी है ब्लड की कमी से किसी की जान ना जाए, ये हमारा एम है। पूरे ऑल इंडिया में लगता है, लेकिन दिल्ली में जो होता है वो काफ़ी कुछ हमारी देखरेख में होता है। उद्देश्य यही है कि लोगों की जान बचे, जो इस वजह से ब्लड की कमी की वजह से जो लोग मौतें होती हैं उनको टाइम पे ब्लड मिले और वो अपनी जान बचा पाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 18 से लेके और 60 तक, और उनका पहले हेमोग्लोबिन वगैरह चेक किया जाता है, अगर उनका हेमोग्लोबिन सही है तो वो ब्लड डोनेट कर सकता है। ब्लड डोनेशन एक बहुत ही नोबल कॉज है। ब्लड डोनेशन से ना तो सिर्फ जो डोनर है उसको फ़ायदा हो रहा है, बल्कि जो लोग जिनको मिलेगा, जैसे एक ब्लड से हम आगे कंपोनेंट बनाते हैं उनके, तो 3 या 4 कंपोनेंट बन जाते हैं, जिससे इनफैक्ट 3 या 4 डोनर्स को फ़ायदा हो सकता है, जो पेशेंट्स को फ़ायदा होगा। और इसमें क्योंकि डोनर में जैसे ब्लड होता है, आर्टिफिशली तो बन नहीं सकता, वो तो आना तो किसी और ह्यूमन के थ्रू ही आएगा, तो इसलिए डोनर अगर डोनेशन करते हैं ब्लड डोनेशन, तो उससे आई थिंक ज़्यादा नोबल कॉज कुछ हो नहीं सकता। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी पहली बात होता है, ब्लड डोनर हम वही चूज़ करते हैं जो कि प्रॉपरली फिट है ब्लड डोनेशन करने के लिए। अगर हमें लगता है किसी को ब्लड डोनेशन में दिक्कत हो सकती है, उसको हम पहले रिजेक्ट कर देते हैं। देखिए, दान की भावना तो हमारे पूर्वजों ने हमें हमेशा से दी है, और मनुष्य की प्रवृत्ति में ये है कि दान हमें हमेशा देते रहना चाहिए, किसी भी रूप में, चाहे वो रक्तदान ही क्यों ना हो। और पतंजलि का भाव हमेशा से ही अर्थ से परमार्थ की ओर था, तो हम भी हर विषय पे हम कोशिश करते हैं कि कहीं भी समाज की सेवा में हम योगदान दे सकें, ऐसा हमारा उचित प्रभाव रहता है। हम लोग ओकेजन के हिसाब से साल में 3 या 4 बार तो लगाते ही हैं, अलग अलग जिलों में भी व्यक्तिगत तौर पर लोग अपने ऐसे रक्तदान शिविर भी लगाते हैं, पर बड़े रूप में राज्य स्तर पर हम 2 या 3 बार ही कर पाते हैं उसको। दूसरी ओर रक्तदान करने पहुंचे रक्तदाताओं के चेहरे पर कोई दर्द नहीं दिखा। रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से जरूरतमंद लोगों के लिए रक्तदान किया, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनका रक्त किसी पीड़ित के लिए, जिसे खून की जरूरत है, उसके लिए वरदान बन सकता है। ब्लड डोनर को प्रोत्साहित करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय व पतंजलि योग समिति रक्तदान शिविर की ओर से सर्टिफिकेट भी दिया गया, साथ ही उनके ब्लड ग्रुप की कीरिंग भी दी गई। वहीं रक्तदाताओं का कहना था कि कोई कमजोरी महसूस नहीं हो रही है और एक छोटे से प्रयास से हम किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। नॉर्मल बस काफी टाइम से सोच कर लूंगी, आसपास में अपने घर में हुआ था, फिर फर्स्ट टाइम देने आई हूँ, किसी जरूरतमंद को मिल जाए बस। ब्लड डोनेट इसलिए करने पहुँचा क्योंकि ब्लड डोनेट करने की आज के अपने इंडिया में जो पेशेंट्स हैं और जो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके अंदर ब्लड सबसे रेयर मिलता है, उसके मिलने के चांसेस बहुत कम है। तो ब्लड डोनेशन एक सोशल वर्क है जिसमें बहुत सारे मरीजों को ज़रूरत है ब्लड की, और हम ये देख के, जिसमें हमारा कुछ जा भी नहीं रहा, जिसमें हमें कुछ महसूस भी नहीं होता कि हमने ब्लड डोनेट किया है, उनको बहुत हेल्प मिल जाती है। ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई जिनमें को उनमें बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है, कुछ फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते, तो ये ब्लड डोनेशन एक सोशल काम है जिसमें अपने को क्या है कि 3 महीने में रिन्यू हो जाता है, ब्लड निकलता है पता भी नहीं लगता, और इस चीज़ से बड़ा अपने आप को भी बहुत अच्छा महसूस होता है। बिल्कुल आना चाहिए युवाओं को, युवाओं को रक्त तो है जो सबसे ज़्यादा
हेल्दी होता है और लोगों को क्या कहते हैं मदद करता है वो किसी भी डिजीज से लड़ने के। रक्तदान शिविर के साथ साथ निशुल्क बीपी, शुगर और दांत की भी जांच की गई, तो नेत्रदान और अंगदान कैंप भी लगाया गया जहां लोगों ने फॉर्म भरकर अपना नाम दर्ज कराया। कैमरा पर्सन जिशान के साथ नेशन लाइव के लिए चेतना चौधरी की रिपोर्ट।